अच्छी क्वालिटी का है। तो मैंने फिर खुद जाके एप्लीकेशन एस आई के यहाँ डाली और उस तरीके से ये बनाए गई जिन लोगों ने इसका आकार बनाया, कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेंगे तो कलाकारों की बेइज्जती कर रहे हैं जिन्होंने इसे बनाया। और कलाकार की बेइज्जती जो है वो एक हमारे देश में परंपरा थी, कलाकार जो है वो उत्तम होता है, खूबसूरत इमारतों का जो विश्व भर में प्रसिद्ध है उनका आप निरादर कर रहे हैं, कलाकारों का जो है। अब बहुत से बार देखा किसी ने बना दिया अरे भाई साहब, अगर आपको प्रचार करना है अपने प्रेम का तो उनसे कीजिए जिनसे आप प्रेम करते हैं, इस इमारत के ऊपर क्यों कर रहा है। मैंने बहुत सीधी सी बात है, और आजकल तो बहुत से ऐसे मीडियम आ गए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, उसको लिख दीजिए, उस दीजिए, लाखों करोड़ों लोग आपके जो प्यार जो आप इजहार करना चाहते हैं देवी जी को पता चल जाएगा सबको। The government cannot do it. It is civil society that we should join in, and that's only way our country and our heritage side. Yeah, right, Atish. Well, Amit ji, if we can just go across to Meerut, वहाँ बड़ी बात है, वहाँ Meerut में भी काफी एक काम चल रहा है, एक पहले प्रयास है। देखिए बच्चे जो है वो आमतौर पर कहा जाता है देश का भविष्य है, लेकिन सही मामले में समाज के लिए देश के लिए आजकल का जो वातावरण है उसके लिए बच्चे ही सबसे अच्छे हैं। उनके मन के अंदर अगर ये धारणा डाल दी जाए कि हमें देश को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, बड़ी ही कम उम्र में वो बातें जो है वो उनकी सारी ज़िंदगी साथ रहती है। और फिर उनके साथ जो भी मिलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग उनके साथ मिलते हैं, वो भी उनकी सोच के साथ मिलते जाते हैं। तो जितने भी बच्चे आज का कार्यक्रम देख रहे हैं ना, तो यही कहूँगा उनसे, मैं आग्रह करूँगा कि आप अपनी सोच को इस ओर घुमाएं कि आपको भारत को स्वच्छ बनाना है, और स्वच्छ के लिए, स्वच्छता के लिए जो कुछ भी करना है आप अपनी कम उम्र से शुरू करें, स्कूलों में, अपने घरों में। जब आप इस तरह की बातचीत शुरू करेंगे मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि सब आपकी बात सुनेंगे और सही बात करेंगे। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। परिमल, आप अगर आप भी वहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए थे उनको भी अमित जी और हम सब की तरफ से धन्यवाद करें कि उन्होंने जो काम किया है बहुत ही अच्छा। पानी तो इसी तरह से स्वभाव बन गया है, हमारे देश में नहीं, जब देश के बाहर जाते हैं क्योंकि हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचा पाएंगे कि इंडिया से जो कोई आता है वो स्वच्छता जो है उनकी नेचर में जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है साल बाद आज़ादी मिल रही है, बहस करने की चर्चा करने की, लेकिन हम सबको मिल के काम कर। मैं चूंकि मुझे कभी मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, हम लोग जो हमारे शो में कर रहे हैं, जब पगला शो में 25-50 हज़ार लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ कि हम अपना घर साफ रखते हैं और बाद में छुप क्यों हमसे घर नहीं मानते। सबसे पहले तो देश को घर मान, ये मेरा घर, ये मेरा आंगन है, मैं अपने देश को अपना घर मानूंगा, अपना आंगन मानूंगा, तो गंदगी नहीं करूंगा। ये भावना जागृत करने की जरूरत है, तो फिर किसी अभियान की आवश्यकता नहीं। जिस दिन ये भावना जागृत हुई, क्योंकि बचपन में लतीफा सुनते थे कि एक आदमी बस में जा रहा है तो कहता है मुझे पान की पीठ थूकने कहाँ थूकी, तो पीछे वाला कहता है आगे वाले की जेब में थूक दी, तो उसने कहा तो उसे पता चल गया, तो बोले तुझे पता चला क्या। ये लतीफा हो गया है हमारे लिए। तब मैं कहता हूँ कि शायद दो शेर मुझे याद आते हैं कि हम लोग वतन को वतन मानते हैं, वो कहते हैं कि टूटने और बिखरने का चरण मान लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मान लिया, टूटने और बिखरने का चरण मान लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मान लिया, हम भी खड़े से तब्दील के करवा सकते हैं, लोग दौलत के लिए हमने वतन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कभी कभी छोटी दिक्कत आती है जब हम स्वच्छता अभियान के लिए बाहर जा रहे हैं, तो खास करके ध्यान में आया कि जो झुग्गियाँ है स्लम एरिया की, वहाँ पे कोई पानी की सप्लाई नहीं होती है और गरीबी इतनी है, तो उसके लिए अभी हम लोग क्योंकि ये अवेयरनेस तो हो रही है लेकिन गरीबों के बीच में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके जीने के लिए प्रॉपर साधन नहीं है, तो हम उनको भी जैसे हमारे कुछ लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं, श्याम पाठक जी NSB से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे कुछ ट्रिक प्ले करके और वो झुग्गियों में जाके उनको भी समझा। एक्सेलेंट आइडिया, थैंक यू सो मच। प्रकाश और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।